कोई भी एड़ू गेड़ू आकर के बयान दे रहा है, आप लोग भी चला दे रहे हैं किसी के भी आरोप को, ये सरासर ठीक नहीं है। बिहार की राजनीति में हाल ही में एक विवाद तब गहराया जब तेजस्वी यादव पर उनके पूर्व सरकारी आवास से नल टोटी और अन्य सामान चोरी करने का आरोप लगाया गया। इस आरोप के बाद तेजस्वी यादव भड़क उठे और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी। इसके बाद बीजेपी अब इस मामले से पीछे हटती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने खुद पर लगे इन आरोपों को झूठा करार दिया है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बिना सबूत के उन पर इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह गलत है। तेजस्वी ने साफ किया कि वे इस मामले में कानूनी कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे पास सभी आरोपों के खंडन में वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद हैं। मैं उन लोगों को कोर्ट में घसीटूंगा जिन्होंने मुझ पर यह झूठा आरोप लगाया है। मैंने अपने वकील से भी इस पर चर्चा कर ली है। सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ, हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से इस विवाद पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने इस मामले पर कोई खास टिप्पणी नहीं की। सम्राट चौधरी ने कहा, मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। ये बयान तब आया जब पत्रकारों ने उन्हें याद दिलाया कि तेजस्वी यादव ने झूठे आरोप लगाने पर लीगल नोटिस भेजने की बात कही है। सम्राट चौधरी का इस पर चुप्पी साधना ये दर्शाता है कि बीजेपी अब इस मुद्दे से खुद को अलग कर रही है। आइए बताते हैं आपको क्या था पूरा मामला। विवाद तब शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव ने अपना उप मुख्यमंत्री का सरकारी आवास खाली किया। इसके बाद बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि वे बंगले का एयर कंडीशनर, पलंग, बैडमिंटन कोर्ट का सामान और यहां तक कि नल की टोंटी भी साथ ले गए हैं। ये आरोप लगते ही तेजस्वी यादव ने बिहार लौटकर जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बिना सबूत के उन पर आरोप लगाना निंदनीय है। उन्होंने इसे इनकी छवि धूमिल करने का प्रयास बताया। बीजेपी अब बैकफुट पर है। दानिश इकबाल द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद अब बीजेपी इस मामले से दूरी बनाती नजर आ रही है। सम्राट चौधरी का इस मामले पर कोई स्पष्ट जवाब न देना ये संकेत करता है कि बीजेपी शायद इस विवाद से बचने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी में है। लेकिन जो छुटपुटैया नेता सब है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, सच का पता नहीं है, मेरे पास एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। धन्यवाद। तो देश और दुनिया की तमाम राजनीतिक और बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।